स्वागत है आप सबका हमारे चैनल आरतीज लाइफस्टाइल में। आज के इस ब्लॉग में मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हेडफोन्स यूज़ करते हैं, मेरे जैसे कुछ लोग जिन्होंने अभी रिसेंटली JBL का कोई हेडफोन ख़रीदा होगा। मैंने पिछले ही महीने ख़रीदा था JBL का 510 इन्फिनिटी हेडफोन्स। अमेजन से परचेज़ किया था तो मुझे मालूम नहीं था कि अमेजन इसकी गारंटी नहीं देता है, पर जब वो थोड़ा मैल फंक्शन करने लगा आई चेक देन अमेजन वॉज नॉट गिविंग मी एनी काइंड ऑफ वारंटी। मुझे लगा अभी तो ख़रीदा है, अब क्या करें, इसको फेंकना पड़ेगा क्या। देन आई चेक एट द बिल, वहाँ मैंने देखा कि आपको JBL में डायरेक्टली बात करनी पड़ेगी फॉर एनी काइंड ऑफ वारंटी। प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ था कि एक साल की वारंटी इसके अंदर है। सो आई वेंट टू द सर्विस सेंटर एट नेहरू प्लेस। नेहरू प्लेस में टू गेट माय JBL चेंज्ड। चलिए देखते हैं ये वर्क करता है। वैसे तो JBL के सर्विस स्टेशंस ऑल ओवर इंडिया है, पर मैं आई हूँ नेहरू प्लेस वाले JBL हरमन TVS इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑथराइज सर्विस सेंटर पर, जो कि है देविका टावर 10A UG फ्लोर नेहरू प्लेस। ये सर्विस स्टेशन एक छोटा सा ऑफिस है, देखते हैं यहाँ पर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं। ये है मेरा JBL का प्रोडक्ट JBL Infinity 510। सबसे पहले मैंने काउंटर पे अपना प्रोडक्ट दिया और बताया कि इसके चार्जिंग पोर्ट में कुछ प्रॉब्लम है। द लेडी एट द डेस्क शी टुक माई हेडफोन और इसको चार्ज पे लगाया। द प्रॉब्लम वॉज द सेम, शुरू के 30 सेकेंड्स इसमें रेड लाइट जल रही थी और ये चार्ज हो रहा था, उसके बाद इसका चार्जिंग वॉज नॉट वर्किंग। ये प्रोडक्ट मैंने पिछले महीने ही परचेज किया था, विच मीन्स इट हैज़ अ गारंटी। प्रोडक्ट मैंने परचेज किया था अमेजन से, बट अमेजन वॉज नॉट गिविंग मी एनी वारंटी, सो आई केम ओवर हेयर। इन्होंने चेक कर लिया कि चार्जिंग पोर्ट में प्रॉब्लम है। लुक एट द वॉच, इट इज ऑलमोस्ट 147। विद इन सेकेंड्स एक नया प्रोडक्ट अंदर के प्रोडक्ट रूम से आया एंड इट वॉज गिवन टू मी। एज पर द रूल्स नॉट फॉर सेल का स्टिकर लगाकर ये मुझे दे दिया गया। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर आपके भी किसी JBL प्रोडक्ट में अंडर वारंटी किसी प्रकार की ट्रबल है तो आप कौन से पेपर यहाँ पर लेकर आएंगे ताकि आपका भी प्रोडक्ट इतनी ही आसानी से यहाँ से एक्सचेंज हो जाए। इसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी। पहला आपका बिल, चाहे आपने ऑनलाइन परचेज़ किया हो या ऑफलाइन, और दूसरा इसका गारंटी कार्ड। एक्सपेंसिव तो था नहीं, इट वाज अराउंड 1600 रुपीज़, सो आई थॉट कि नया ही ऑर्डर कर लेते हैं। बट मैंने जब गूगल पे इसका रिव्यू पढ़ा तो आई रेड कि यहाँ की जो सर्विसेज है दे आर वेरी प्रॉम्प्ट। आई केम हेयर इन टू दिस ऑफिस टू नेहरू प्लेस एंड ट्रस्ट मी, इन लेस देन 1 मिनट्स टाइम आई वॉज रिप्लेस्ड विद अ ब्रांड न्यू हेडफोन। सो हेयर आई एम एट नेहरू प्लेस आउटलेट ऑफ JBL। लास्टली एक कस्टमर फीडबैक दे के आई एम हेडिंग बैक टू होम। JBL के इस प्रकार के किसी भी स्टोर में अगर आप जाएं, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कैश पेमेंट नहीं होती। अगर किसी भी वजह से आपको पेमेंट करने की ज़रूरत हो तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही होता है। ये JBL के ऑफिसेस खुले रहते हैं मंडे टू सैटरडे 10 AM टू 6 PM। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, 5 मिनट से भी कम समय में मेरा ये हेडफोन रिप्लेस हो गया, रिपेयर नहीं रिप्लेस। सो अगर आप में से किसी का भी कोई भी JBL प्रोडक्ट हो और वो वारंटी के अंदर हो तो आप भी अपने नियरेस्ट सर्विस स्टेशन जाएं और इसको चेक कराएं। पॉसिबली मेरी ही तरह आपका भी प्रोडक्ट रिप्लेस हो जाएगा। JBL के सर्विस सेंटर की सर्विस, स्पीड और हॉस्पिटैलिटी मुझे तो बहुत ही पसंद आए। तो अगर आप किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना चाहते हो जो कि JBL का हो, तो आंख बंद करके खरीद लें।
वैसे तो इनके प्रोडक्ट्स में कोई प्रॉब्लम होती नहीं, और अगर हुई भी तो सर्विस सेंटर वाले अपना पूरा कोऑपरेशन आपको देंगे। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। तो अगर आपके किसी भी JBL प्रोडक्ट में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो यू कैन ब्रिंग इट। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।